आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की है जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है। जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी न सकता। कोर्ट कहती है 10 लाख रुपया के जमानत पे जाएंगे बाहर। कोर्ट कहती है सीबीआई की गिरफ्तारी बिल्कुल कानूनी है। इसके बावजूद भी मेरे दिल्ली के वासियों, वो व्यक्ति इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। जिसके दिल में दिल्ली के प्रति जरा भी दर्द होता, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट की ऐसी टिप्पणी, ऐसे निर्णय के बाद नैतिकता में अपने पद से इस्तीफा देता। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली को कितना दर्द दोगे, ये दिल्ली पूछना चाहती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल दी, लेकिन ये कहते हुए कि मुकदमे को चलाने का ग्राउंड ठीक थे, आप इस घोटाले के अंदर शामिल हैं। बहुत जल्द ही केस की सुनवाई पूरी होकर दोबारा से मुख्यमंत्री साहब को जेल जानी पड़ेगी। अब वो इतने बीच में पूर्व मुख्यमंत्री बनकर रहते हैं या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है, यानी वैध है। इसका सीधा अर्थ ये भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाल के किंग पिन है, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक बेपरवाह सरकार के एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं। ये सशर्त जमानत है और इस जमानत का अर्थ ये कदापि नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप खत्म हो गए। केस अभी चलता रहेगा और कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक अब अरविंद केजरीवाल अभियुक्त बने रहेंगे।